यार जब काफी केयर और नरिशमेंट के बाद बियर्ड ग्रो कर ली हो ना और उसके बाद भी कुछ कमी रह जाए तो स्वैग ही बिगड़ जाता है। उनमें से ही एक है बियर्ड ग्रेइंग। वैसे भाई लोग तो किसी भी चीज का स्टाइल बना ही लेते हैं, बट अगर ये छोटी ही एज में हो जाए ना तो इट सिग्नल्स अ डीपर इशू, प्रॉब्लम है ना। सो लेट्स फाइंड आउट इसके पीछे का रीजन और सोल्यूशन इन उस्त्रास बियर्ड ग्रेइंग डीकोडेड में। बियर्ड ग्रेइंग के पीछे की साइंस इज सिमिलर टू हेयर ग्रेइंग, बिकॉज अल्टीमेटली ये हमारे बॉडी पे ग्रो करने वाले बाल ही हैं। ग्रेइंग तब होती है जब हमारे हेयर फॉलिकल्स में मेलेनिन की कमी होती है, बट एज के साथ हमारी बॉडी का मेलेनिन प्रोडक्शन अपने आप ही कम हो जाता है, इसलिए हमारी बियर्ड वाइट, सिल्वर या ग्रे कलर के होने लगती है। अगर ये 45 की एज के बाद हो तो नॉर्मल है, बट ये अगर आपके 30s या अर्ली 20s में ही शुरू हो जाए तो एक प्रॉब्लम है। तो चलो देखते हैं इसके रीजंस क्या हैं। रीजन नंबर 1, जेनेटिक्स। हेरिडिटरी रीजंस की वजह से ये होना काफी कॉमन है। अगर आपके डैड या ग्रैंडफादर की भी ग्रेइंग कम एज में शुरू हो गई थी तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आपकी ग्रेइंग भी कम एज में शुरू हो जाएगी। रीजन नंबर 2, स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारी बॉडी में अंदर से काफी हार्मोनल चेंजेस का रीजन होता है। इट इज नोन दैट स्ट्रेस लीड्स टू हेयर फॉल, और उसके बाद जब नई हेयर ग्रोथ होती है उसमें ओरिजिनल से कम पिगमेंटेशन होती है, हेंस आवर बियर्ड्स कैन इवेंचुअली टर्न ग्रे। रीजन नंबर 3, स्मोकिंग। सुट्टा और हेल्थ प्रॉब्लम्स का बहुत पुराना यार आना है। स्टडीज हैव शोन दैट स्मोकिंग कैन कॉज प्रीमैच्योर एजिंग, जो रिजल्ट करता है हेयर ग्रेइंग इवन बिफोर रीचिंग 30। कॉजेस तो बहुत है पर इनके सॉल्यूशंस चलो वो भी देख लेते हैं। नंबर 1, नरिशमेंट फ्रॉम इनसाइड। रिसर्च बताती है कि अगर हमारी डाइट में विटामिन जैसे B12, विटामिन डी या ओमेगा 3 है सफिशिएंटली रहें तो ये हमारे बालों की हेल्दी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। नंबर 2, नरिशमेंट फ्रॉम आउटसाइड। अंदर की नरिशमेंट तो अच्छी डाइट से आ जाएगी, बट उतनी ही एसेंशियल है बाहर से नरिशमेंट, जिसके लिए यू कैन यूज उस्त्रा बियर्ड ग्रोथ ऑयल। इसमें है रिडेंसिल के साथ साथ 8 नेचुरल ऑयल्स का ब्लेंड जो आपकी बियर्ड को विटामिन B5, B6, CEK अलोंग विद ओमेगा 3 और 6। इसके साथ ही ये आपको कई मिनरल्स की मॉइस्चराइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग भी देता है। इसके साथ ही यू कैन यूज उस्त्रा बियर्ड ऑयल 4x4 जो बना है सनफ्लावर, इवनिंग प्रिमरोज, लेमन एसेंशियल और आर्गन ऑयल जैसे कंप्लीटली नेचुरल ऑयल से, जो आपकी बियर्ड को विटामिन A, C, E और K के साथ साथ फैटी एसिड भी देते हैं, जो आपके हेयर फॉलिकल्स में जाके उसको नरिशमेंट के साथ साथ रिपेयर भी करता है। एंड लाइक ऑल उस्त्रा प्रोडक्ट्स, दीज टू बियर्ड ऑयल्स आर फ्री ऑफ ऑल हार्मफुल केमिकल्स। नंबर 3, टर्न इट इनटू अ स्टाइल। ग्रे बियर्ड को अपने स्वैग का पार्ट भी बना सकते हो, जस्ट मेक श्योर आप उसे प्रॉपरली ग्रूम कर रहे हो। ये सॉल्ट एंड पेपर बियर्ड आप डिफरेंट साइजेस अपने फेस शेप के हिसाब से पिक कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर यू नॉट पिकिंग योर वाइट हेयर, जस्ट लेट देम ग्रो नेचुरली। भाई लोग अब तो तुम समझ ही गए होगे कि बियर्ड ग्रेइंग के पीछे का सीन क्या है। तो चेकआउट करो उस्त्रा.com और इसी तरह अपनी केयर के लिए कोई भी और टिप्स या प्रोडक्ट्स चाहिए तो हमें फॉलो करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। हम इसी तरह हर इशू को आपके लिए डीकोड करते रहेंगे। बट एज आई ऑलवेज से, अल्टीमेटली योर गेम इज इन योर हैंड्स ब्रो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपकी ग्रूमिंग और केयर से रिलेटेड एक और इशू को डीकोड करने।